बाबा साहब के संविधान में पूरे भारत की आस्था होनी चाहिए। आज भारत का संविधान मौजूदा सरकार में खतरे में चल रहा है, इसको बचाए रखने के लिए भारत के बहुजन सब जाग चुके हैं और जो मनुवादी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रचार प्रयास कर रही है केंद्र की गवर्नमेंट, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का नौजवान खड़ा हो गया है। अब सरकार को चैतन्य हो जाना चाहिए और हम सब लोग पूर्ण मजबूती के साथ बाबा साहब के संविधान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया वो तो किसी कीमत में भी हम उसको जो है खत्म नहीं होने देंगे। आज के समय में कहा जा रहा है संविधान को बदलने की बात कही जा रही है, संविधान में कमियां हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक मैं मुरादनगर से आया हूँ, डीआर सिंह मेरा नाम है और पुराने काफी लंबे समय से संगठन में काम भी कर रहा हूँ। बाबा साहब को संविधान में बदलने के लिए तरह तरह के संशोधन कर दिए जाते हैं, जैसे अभी एट्रोसिटी एक्ट पे कर दिया था, आरक्षण पे कर दिया है, तो क्रिमिनल वार में जो अधिकार हमें मिले थे उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 85% लोगों के साथ जो छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर संविधान जिंदा कहाँ रहेगा, संविधान चल कहाँ रहा है? संविधान को तो सिर्फ इन्होंने मुखौटा बना रखा है, पता ही नहीं, संविधान पे नहीं चल रहे हैं, ये दूसरी नीति पे चल रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम को उठाकर देख लिया विकास का इस भारत के देश की, कहीं भी बाबा साहब के संविधान के तहत कोई भी काम पूर्ण नहीं किया जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे विकास हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ हो, और गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नहीं आ, अभी इन्होंने नया जो सिस्टम लागू किया है तो वो भी इनको घातक है, इनको आगे बढ़ने से रोकता है। और जो हमारी प्राइमरी शिक्षा थी वो तो पूर्ण रूप से तेज तेज कर दिया, लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया है, तो सरकार का जो काम होता है रक्षा सुरक्षा चिकित्सा वो कहाँ काम कर रहे हैं? इन्होंने तो 3-4 मुद्दे डाले, गंगा, बॉर्डर और तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा, तो इनसे काम चलने वाला नहीं है, नहीं नहीं। तो हम तो ये कहते हैं कि संविधान के तहत ये चले, जब संविधान की कसम खाकर आप लोकसभा में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तो उसी के तहत काम होना चाहिए, उसमें अगर संशोधन करेंगे तो हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे भारत में मूवमेंट को खड़ा करेंगे, 85% में जो अभी हमारा बैकवर्ड है वो पूर्ण रूप से जागृत तो नहीं हुआ है, हम उसको जागरूक करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, और जिस दिन वो जागरूक हो जाएगा उस दिन जो है इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा, और हम चाहेंगे कि जो मनवादियों ने जो इस देश पे कब्जा कर रखा है, जैसे अंग्रेजों ने कहा था कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने कहा था, भाई गांधी जी एक बात बताइए कि आप पहले आए हैं, क्योंकि आप आर्य हैं, इस देश के आर्य हो, ईरान से आए हो, तो जो आदमी पहले आता है वो पहले जाता है, तो आपको जाना चाहिए, हम तो बाद में आए हैं ना, हम जो इस देश के मूल निवासी हैं उनको सत्ता सौंप देंगे, आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो उन लोगों ने इस चीज को नहीं चलने दिया, तुमने लावार में जो अधिकार हमें मिले थे उनसे हमें वंचित कर दिया, बेईमानी कर लिया, गांधी की बात करते हैं ना, इन्होंने गांधी की बात मानी ना बाबा की मानी, और ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। रात दिन जो शिक्षित बच्चे हम कर रहे हैं उनको कहीं रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि ज्यादा समय नहीं, बड़े छोटे समय में लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, और हम दिख रहा कि पूरा समाज बिल्कुल तराई तराई हो जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि बाबा के संविधान से छेड़छाड़ ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके लिए हम रात दिन एक हैं और रहेंगे, और मूवमेंट को चलाते रहेंगे जब तक पूर्ण सफलता नहीं मिल जाती है, हम पूरे मूवमेंट को खड़ा रखेंगे। संविधान अपने आप में मूल रूप से विश्व का आदित्य संविधान है, और जितने हमारे मौलिक अधिकार थे, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का मूल सिद्धांत है, वो बिल्कुल हनन किया जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अपने आप में जब तक पूर्ण नहीं है, जब तक उसको मानने वाले नहीं है। आज देश की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जज रोड पे आकर के अपने आप को, संविधान को खतरे में बताते हैं। देश में चारों तरफ तराई तराई मची है,
देश की जीडीपी डाउन हो रही है, देश में हर तरफ हाहाकार मचा है और देश को कंगला बना दिया गया है। देश की बैंकिंग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आपकी जितनी इंडस्ट्री है, पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार फेल है और भारत का नौजवान अपने भविष्य के लिए इस वक्त पूर्ण रूप से संविधान पर मर मिटने के लिए तैयार है। हमारे नौजवान, भारत संविधान जिंदा है तो विश्व में तथागत बुद्ध की जो नीति है वही चल सकती है, सारा विश्व इसे मानता है। और मौजूदा सरकार भी जा करके विदेशों में भी जहां जाती है वहीं जा करके भगवान बुद्ध की शरण लेती है, उसी को अपना सार्थक बनाती है। कहीं भी राम और रहीम और शिव का विदेशों में कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि इनका ये पाखंडवाद वाला जो धर्म चल रहा है केवल देश की व्यवस्था को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए हर दिन पाकिस्तान और मंदिर के अलावा ये कुछ दिखाते नहीं है। नौजवान भटका रखे हैं, गुमराह देश को कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से फेल है और आपकी कानून व्यवस्था भी पूर्ण रूप से फेल है। जितना बहुजन समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, ना कोई FIR हो रही है, हर दिन त्राही त्राही मची है। और ये नौजवान भारत के संविधान के लिए, बाबा साहब के सिद्धांतों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार है। आप हम सबको भारत के संविधान के लिए जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, भगवान बुद्ध की जय हो। चाल और चालाकी से व्यवस्था को बदल बदल कर मनोवादी चारधारा में तब्दील कर दिया। आज की परिस्थिति ये है कि मनोवादी सरकार जो चाहे सो कर रही है, अपने तरीके से मनोवादियों को ही संसद में लाया जा रहा है और न्याय में भी अपने तरीके से ही न्यायकर्ताओं को फिट कर करके अपने ही मुताबिक निर्णय करा रही है, ये हमारा मानना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अथक प्रयासों से जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने उसमें लिख दिया है, अगर संविधान को मानने वाले चलाने वाले का दिमाग सही होगा, वो मानेंगे तो संविधान बहुत बढ़िया है, अन्यथा बढ़िया नहीं है। ये मनोवादी लोग बाबा साहब की लाइफ वाले लाइन पर चले हुए हैं, संविधान को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, हर तरीके हथकंडा अपना कर जो भी लोग आगे बढ़े हैं सबके खिलाफ अन्य शरीर कोई ना कोई जांच पड़ताल ये वो उल्टा सीधा भय दिखा दिखा कर अपने पक्ष में ले रहे हैं। ये इस तरीके से जो पहले से सरकार चल रही थी, कांग्रेस सरकार रही, वो सामंजस्य बना के चल रही थी, आज ये विवाद की तरफ से दौड़ रहे हैं। बेइंतहा तरीके से गोले और बमों की बौछार करने के लिए तैयार बैठे हैं, आज देश को समाप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं, झगड़ा फिसाद कराने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आज कश्मीर की हालत देख लें, कश्मीर में आज तक भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं, नहीं हुआ हो पा रहा है, लेकिन दमन किया जा रहा है हर जगह, हम लोगों का दमन किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, अन्य हमारी रिपोर्टें भी दर्ज नहीं होती हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, जवानों पर ताले लगा दिए गए हैं। ऐसी ये मनोवादी सरकार है, ये मनोवादी विचारधारा के लोग ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, ये ऐसा हमारा मानना है। और आज दलित संगठित हो रहा है, धीरे धीरे संगठित होता रहा है, बहुत कुछ हो चुका है, हम ईंट से ईंट मिला देंगे, इस देश को, इस संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे, यही हमारा मानना है और यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत, नमोद्ध है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।